जीवन में एक पथ होना चाहिए, अर्थात जो मार्ग हम जिस ओर जा रहे हैं उसका एक मार्ग निश्चित कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो यहाँ से भी पहुँच सकते हैं, रायपुर से भी बैठो कि दुर्ग से बैठो कि सूरत से बैठो कि आप पंजाब लुधियाना से बैठो कि जम्मू कश्मीर से बैठो, दिल्ली जाने के चारों तरफ से रास्ते हैं। लेकिन आपके लिए क्या श्रेष्ठ है, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से जो सीधा और सुगम और सरल मार्ग जाता है, आपको उसी पथ पर अपना रास्ता तय करना चाहिए। एक पथ होना चाहिए, एक पथ और एक पंथ, पथ पंथ एक ही है, एक पंथ और एक ग्रंथ। एक ग्रंथ अर्थात कौन से ग्रंथ को हम श्रेष्ठ माने, सभी में भगवान के नाम की महिमा है, सभी में कोई भी ग्रंथ ले लो पर एक ग्रंथ होना चाहिए। थोड़े दिन रामायण पढ़ी, थोड़े दिन गीता पढ़ी, थोड़े दिन भागवत पढ़ी, थोड़े दिन उपनिषद पढ़ी, थोड़े दिन वेद पढ़े, लेकिन रामायण पढ़ोगे तो राम के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा, आप भागवत पढ़ो तो कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। शास्त्र भी भटका देते हैं, वास्तव में जिसने गुरु से दीक्षा ली है उसको इधर उधर के शास्त्र भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का जो निचोड़ है वो गुरु का ज्ञान है, और गुरु जी का ज्ञान जिसके जीवन में है उसको फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता है, हमारे जीवन में अगर साधना में उन्नति नहीं होती है तो ये हम में कमी है। फिर कई लोग खुद साधना करना नहीं चाहते, कुछ सेवा करना नहीं चाहते, कुछ साधना में उन्नति नहीं करना चाहते, और फिर सोचते हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ वहाँ चलते हैं। लेकिन जिसने सदगुरु को पा करके और सदगुरु से कुछ पाया नहीं तो उसका दुर्भाग्य है। तुम एक गुरु नहीं दस गुरु बदल लो, एक जगह नहीं दस जगह चले जाओ, लेकिन जब तक तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे, गुरु के बताए हुए सन्मार्ग पर नहीं चलोगे और सा अक्षर जितने परसेंट गुरुदेव चलाना चाहते हो उतने परसेंट नहीं चलोगे तो कहीं भी कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं तो मूढ़जन जगह जगह भटक करके, जैसे एक अज्ञानी किसान ने क्या किया कि खेत में कुआं खुदवाया, पानी नहीं निकला तो दूसरी जगह खुदवाया, वहाँ नहीं निकला तो फिर वहीं तीसरी जगह, एक ही खेत में कहीं 10 हाथ खोदा, कहीं 20 हाथ खोदा, कहीं 30 हाथ खोदा, और पूरा खोदता खोदता पूरे खेत में खड्डे 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 करवा दिए, पानी कहीं भी नहीं निकला, और दोष देने लगा भगवान को, मेरी किस्मत ही फूटी है, भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, पैसा भी मेरा बर्बाद हो गया। तो क्या जरूरत थी पैसे बर्बाद करने की, और क्या जरूरत थी तुमको समय नष्ट करने की। अगर पानी चाहिए था तो एक ही जगह गहरा जाना चाहिए ना, जब तक पानी नहीं निकलता अनिवार्य शर्त है खोदो 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 और खोदो। ऐसे जब तक परम शांति ना मिले, परम आनंद ना मिले, तो जो मार्ग सदगुरु ने बताया उस मार्ग को छोड़े नहीं, उस मंत्र को छोड़े नहीं, उस ग्रंथ को। तो एक ग्रंथ होना चाहिए, नहीं तो शास्त्र भी भटका देते हैं। कई लोग टीवी देख देख के भटकने लगते हैं, कभी उस महाराज का सत्संग सुनेंगे, कभी उस महाराज का सत्संग सुनेंगे, कभी उसकी कथा में चले जाएंगे, कभी उसकी कथा में चले जाएंगे, फिर बोलेंगे तो क्या है, कथा ही तो है, सत्संग ही तो है, कोई बुरी जगह थोड़ी ना जा रहे हैं। भैया तो हमको हमारे गुरुदेव ने कौन सी कमी रखी है, कौन सी चीज़ पर, कौन से विषय पर और किस विषय पर गुरुजी ने हमको ज्ञान नहीं दिया। हमारे गुरुजी के ज्ञान में कमी हो तो हम दूसरी जगह जाएं, हमारे गुरुजी ने कोई कमी रखी हो देने में तो हम दूसरी जगह जाएं। ये वही जाता है जिसको सोचता है कि बस कोई कृपा कर दे, ऐसे हाथ उठा करके, ऐसे हाथ उठा के कृपा करने वाले महाराजों की भरमार है, लेकिन ऐसे हाथ उठाने से किसी की कृपा नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे महाराज मिल जाएंगे टीवी पर आकर के ऐड दे दे करके और भक्तों को ठगते हैं। बंधे को बंधा मिला छूटत कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। तो निर्बंध जो
सदगुरु जिन्होंने जन्म और मरण का अंत कर लिया, ऐसे सच्चे सदगुरु का सत्संग मिल गया, उनका द्वार मिल गया और फिर भी हम नहीं चेतते, तो फिर अंत समय क्या होगा? अभी बापूजी का एक संदेश आया था वीडियो पे, तो उसको भी मैंने शेयर किया और कई जगह आपने सबने पढ़ा लिखा है कि उसमें बापूजी बोल रहे हैं कि एक बात गांठ बांध लो और एक बात लिख के रख लो स्वर्ण अक्षरों में कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी अंत अगर आपने मन लगाया तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पड़े हैं बरसों, लेकिन एक दिन एहसास ज़रूर हो जाएगा कि अंत में धोखा ही मिलेगा। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तो ये हम गुरुदेव के इन वचनों को गहराई से समझ लें, इसलिए इधर उधर के चक्कर में ना पड़ करके सदगुरु का जो बताया हुआ मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण करें। बोले ये तो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो बापूजी जैसे ही बोलते हैं, ये तो बापूजी जैसे दिखते हैं, कई लोग ऐसे मूड लोग ऐसा बोलते हैं। अब बताओ कोई स्वेच्छाचारी स्त्री, पतिव्रता स्त्री ये कहे, हाँ ये कह सकती है कि ये भाई जो दिख रहा है ना वो मेरे मामा की तरह दिखता है, ये भाई जो दिख रहा है वो मेरे चाचा की तरह दिखता है, ये भाई जो दिख रहा है वो मेरे पिता की तरह दिखता है। लेकिन कोई पतिव्रता भी स्त्री ये कहे कि ये भाई तो मेरे पति की तरह दिखता है, तो वो पतिव्रता रहेगी? ऐसी व्यभिचारिणी भक्ति करने वाले लोग, वो व्यभिचारिणी भक्ति कहलाती। कभी इधर भी चले गए, कभी उधर भी चले गए, कभी वहाँ भी चले गए, कभी यहाँ भी चले गए। तो दर दर के धक्के खाने वाले लोग, जब गुरु से आपने नहीं ले पाए, गुरुद्वार से आप लाभ नहीं उठा पाए, तो आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपको लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि गलत हम खुद हैं। हम अपना सुधार करें। गुरु पूर्ण है नहीं तो गुरुदेव का बार बार वो सत्संग सुने, आखिर कब तक, आखिर कब तक, भाग एक भाग दो। तो एक मंत्र, एक पंथ, एक ग्रंथ। गीता अगर ले ली जीवन में तो गीता को उतार लें, हम पी जाएं गीता को। भागवत ली है तो भागवत को ले लें। अगर हमने महाभारत लिया है तो महाभारत, सब में कुछ ना कुछ है, एक ग्रंथ। और सबको नमस्कार है, ऐसी एक मंत्र। कौन सा मंत्र? कि जो गुरुदेव के श्रीमुख से हमें मिला है। मंत्र होता है, देखो रामचरितमानस में करीबन 40 से 45 मंत्र हैं, वो मानस के सिद्ध मंत्र कहलाते हैं। लेकिन वो शास्त्र में लिखे हैं मंत्र, लेकिन उस मंत्र की विधि है कि उस मंत्र को अगर हम जब तक जागृत नहीं करेंगे तब तक वो मंत्र फलदायी नहीं होता है। तो मंत्र को जागृत करने की विधि भी है कि वो इष्ट, वो आराध्य को प्रसन्न करें, यज्ञ करें। जैसे किसी को रोजी रोजगार में तकलीफ होती है, नौकरी पे नहीं लग पा रही, ग्रेजुएशन हो गई, इधर उधर भटक रहे हैं, या काम धंधे में दिक्कत आती है, तो उसमें मंत्र है, विश्व भरण पोषण कर जोई। बोलो सभी, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अर्थात जो समस्त विश्व का भरण पोषण करने वाला है उसका नाम भरतार। सुबह भजन गाया था ना, चीटी से हाथी तक के जिसने भोजन का प्रबंध कर दिया है, बच्चे के जन्म से पहले जिसने माता के उर में दूध भर दिया है, चीटी से लेकर हाथी तक के भोजन का जिसने प्रबंध कर दिया है, योगेश जग का भरतार, वो भरत नाम उसका रखा। तो उस मंत्र की विधि है कि उस मंत्र को जागृत करना है तो रात को 10 बजे 12 प्रकार की सामग्री, चंदन चूरा, नागरमोथा, पंचमेवा, जौ, चावल, अगर, तगर, शुद्ध केसर, कपूर, गाय का घी, तिल और शक्कर, ये 12 चीज मिला करके और शुद्ध हो करके हाथ मुंह धो के स्नान करके रात को 10 बजे संकल्प करके और उस मंत्र की 108 आहुति दे। विश्व वरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत सोई स्वाहा, तो मंत्र जागृत हो जाएगा और मंत्र शीघ्र फल देने वाला होगा। दृढ़ता से, श्रद्धा से, प्रेम से और विश्वास से जपेंगे
तो अवश्य फलदायी होगा। कितने लोगों को फायदा हुआ उसमें, बहुत सारे जैसे मंत्र है। जैसे किसी की चीज वस्तु खो जाती है तो गई बहूरी गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघराजू, इस मंत्र को अगर 108 आहुति दे दें तो खोई हुई चीज, तो ये सब शास्त्र में है, लिखे हैं, लेकिन उसको जागृत करना होता है। ऐसे हमने गुरुदेव के श्रीमुख से जो वचन मंत्र लिए हैं वो उन महापुरुषों ने उनको जागृत करके दिया है, क्योंकि वो महापुरुष जागृत है और जागृत महापुरुष के श्रीमुख से निकला हुआ मंत्र भी जागृत होता है, इसलिए वो फलदायी होता है और वो प्रभावशाली होता है। इसलिए एक मंत्र जो गुरुदेव से मिला वो मंत्र ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। फिर एक संत अर्थात जिनके श्री चरणों में शीश झुका लिया है और सबको बस ठीक है प्रणाम है, लेकिन शीश तो गुरु के चरणों में झुकना चाहिए। इसलिए कहा है कि ये सर है अमानत बापू की हर जगह झुकाया जाता नहीं, ये दिल है अमानत बापू की हर जगह लगाया जाता नहीं।